हरियाणा सरकार में एक और सुधार सेल के डायरेक्टर रॉकी मित्तल ने कैथल शहर की लड़कियों के स्कूल का निरीक्षण किया, जहां लड़कियों को एकत्रित कर उन्हें छेड़छाड़ की घटनाएं रोकने को लेकर के जागरूक किया गया। इस दौरान रॉकी मित्तल के सामने ही लड़कियों ने कहा कि जब भी स्कूल की छुट्टी होने पर वे घर जाती हैं तो मनचले उनका पीछा करते हैं और तंज कसते हैं। इसके अलावा स्कूल की दीवार पर चढ़कर भी उन पर तंज कसते हैं। रॉकी ने छात्राओं से कहा कि छेड़छाड़ करने वाले युवाओं के नाम, बाइक नंबर या अन्य कोई भी जानकारी मिले तो उसे 1091 नंबर या फिर स्कूल प्रिंसिपल को दे, मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए रॉकी मित्तल सिटी एसएचओ प्रदीप कुमार से भी मिले और मंचलों पर कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की। छेड़खाने के मामले हैं, 6 महीने पहले मैं स्कूल में आया था, उस टाइम कम से कम 90% लड़कियों की प्रॉब्लम थी छेड़खाने की, आज घटकर काफी कम आई है। प्रॉब्लम है लेकिन घटकर बहुत कम आई है। और मुझे सवेरे एसएचओ सिटी से भी मुलाकात हुई थी, जखोली अड्डे के अंदर भी दौरा किया था, वहाँ भी लड़कियों की शिकायत थी छेड़खाने की। और मेन प्रॉब्लम आती है छुट्टी के बाद की, भाई जब घर तक लड़कियाँ जाती हैं तो प्रॉब्लम आती है। आज उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट वीक तक ये शहर के अंदर छेड़खाने की घटनाएं नहीं रहेंगी, यदि कोई होंगी भी। उसके बाद मैंने पिछले 5 महीने पहले, जब मैं 5-6 महीने पहले आया था, इनको बोला था कि कोई भी लड़का यदि कोई नंबर देता है या बाइक नंबर है, इन्होंने मेरे को अभी तक नहीं दिए। स्टाफ वालों से मैंने आज बात की है, आज के बाद कोई भी नंबर होगा या तो थाने में देगा या वो हमारे को देगा। गर्ल्स को डिस्टर्ब भी करते हैं और जिस टाइम गर्ल्स